वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे सवाल आते रहते हैं, ऐसे कमेंट आते रहते हैं। उनका ये पूछना होता है कि क्या सर पत्नी 498A का केस 7 साल के बाद में नहीं कर सकती है क्या? तो ऐसे सवालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बहुत से सवाल आते रहते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। तो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके बार बार ऐसे सवाल आते रहते हैं कि क्या सर पत्नी 498A का केस 7 साल के बाद में नहीं कर सकती है क्या? तो ये धारणा बनी हुई है, आपके इतने सवाल आते हैं तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि 498A का मतलब होता है डोरी प्लस हरेसमेंट। तो ये सवाल आते हैं कि 7 साल के बाद में नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे देखो, आपको बता दूँ 498A में ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है। 498A के अंदर नहीं लिखी हुई है कि पत्नी 7 साल के बाद में 498A का केस नहीं कर सकती है। पर ये जो धारणा बनी हुई है, ये कहाँ से आई है? तो इस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये धारणा बनी हुई है IPC 304B से। तो IPC 304B का मतलब होता है डोरी प्लस हरेसमेंट प्लस डोरी डेथ। तो ये धारणा है, ये कन्फ्यूजिंग चली रहती है क्योंकि ये डोरी के केस के ऊपर लागू होता है। तो आप ये समझते हैं कि 498A का डोरी का केस है, तो ये बिल्कुल 498A डोरी के बारे में ही है। पर यहाँ पे जो डोरी की बात आती है, तो ये डोरी डेथ के ऊपर लागू होता है क्या? 7 साल का प्रावधान, तो ये IPC 304B पे ही लागू होता है। तो इसका मतलब भी डोरी ही होता है, मतलब डोरी की डिमांड की गई, हरासमेंट किया गया और डोरी मांगते हुए डेथ कर दी गई। तो ये IPC 304B पे 7 साल का प्रावधान लागू होता है, न कि IPC 498A पे। 498A का मतलब तो डोरी हरासमेंट होता है, तो इसलिए इसके ऊपर ये 7 साल का प्रावधान लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया है कि 498A एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, जो CRPC 471 के अंदर क्लियर किया गया है कि ऐसे मामले जिनमें कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, यानी कि बार बार ऐसी गतिविधि चलती रहती है, तो उनके ऊपर कोई लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है, कोई टाइम पीरियड लागू नहीं होता है। तो ऐसा 498A के ऊपर भी लागू नहीं होगा क्योंकि ये भी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस के अंदर आता है। तो 7 साल के बाद में भी पत्नी 498A का केस दर्ज करवा सकती है। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।